बताते विधायक अभय सिंह चौटाला के गढ़ एलनाबाद में कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में गांव चोपटा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनसभा की गई, जिसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो जजपा और भाजपा को जमकर घिरा। उन्होंने कहा कि चाहे इनेलो हो या जजपा, ये दोनों पार्टियां भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं और आए दिन भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती रहती हैं। इतना ही नहीं, दीपेंद्र ने इस दौरान यहां तक दावा कर दिया कि जजपा ने तो भाजपा के समर्थन देने के लिए 6 घंटे लगाए थे, लेकिन इनेलो 6 मिनट में ही भाजपा से समझौता कर लेगी। वो असली परिवर्तन तो आज देख लिया आपने, इनेलो की परिवर्तन यात्रा के बाद आया हुआ परिवर्तन आज आपने नाथूसी चोपटा में देखा, क्योंकि इनेलो पार्टी के नियत लोग समझ चुके हैं। जेजेपी और इनेलो ये बीजेपी की बी टीम बनके, मैं उन सभी ताकतों को बताना चाहता हूं जो एक होकर कहीं ना कहीं बीजेपी को कैसे राहत दी जाए, उनको कैसे बचाया जाए, इस लक्ष्य में जो लोग लगे हैं। और यही नियत इनेलो पार्टी की, ये नियत लोग समझ चुके हैं, लोगों को ये समझ में आ गया है। और मैं कहना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला ने तो 6 घंटे लगाए बीजेपी को समर्थन देने में, ये तो 6 मिनट, इनेलो के अभय सिंह तो 6 मिनट ना लगाएं, जैसे इन्होंने राज्यसभा में नहीं लगाया, जैसे इन्होंने बाकी जगह नहीं लगाया, ये तो 6 मिनट में बीजेपी को समर्थन देने का काम करेंगे। तो आज प्रदेश के लोग बीजेपी की सरकार को दोबारा से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, सीधा या टेढ़े तरीके से बीजेपी को ऑक्सीजन नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो सीधा ना टेढ़े रूप से बीजेपी को ऑक्सीजन देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को लोग स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस के जनसभा में दीपेंद्र हुड्डा, भरत सिंह बेनीवाल के साथ साथ कई नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में बाढ़ से आई तबाही और बाढ़ पीड़ितों से मुख्यमंत्री खट्टर की दूरी को लेकर भी जमकर हरिकोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों को उनके हर नुकसान का उचित मुआवजा दे, ताकि पीड़ित अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हम प्रदेश में एक एक जिले में जा रहे हैं, आज भी यहाँ से हम चलेंगे, जो है अपना कहते हैं, और हम सभी जो है सभी साथी वहाँ जाएंगे, जहाँ घग्गर 3 जगह सिरसा में ब्रीच हुआ है और 4-5 गांव प्रभावित है, हम जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ते में दौरा किया, वो भी हवाई दौरा अम्बाला में, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये प्रदेश सरकार की विफलता का प्रतीक है। मांग करते हैं हम कि प्रदेश सरकार अभी राहत कार्यों में तेजी लाए, मुआवजा दिया जाए, जहाँ किसानों के खेत खराब हुए हैं, फसलें खराब हुई हैं, वहाँ 40,000 प्रति एकड़ की मुआवजा की मांग है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्योंकि हरियाणा में कल तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, उन परिवारों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, मांग करते हैं। और मैं ये भी मांग करता हूँ, जो गांव पूरे प्रभावित है, पूरे के पूरे गांव, वहाँ कम से कम बिजली के जो बिल है, 3 महीने तक बिजली के बिलों की माफ़ी दी जाए उन गाँवों में, क्योंकि पूरा गाँव जब प्रभावित होता है तो केवल किसान नहीं, लेकिन वहाँ पर मजदूर भी, वहाँ पर कर्मचारी भी, व्यापारी भी, सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो 3 महीने तक की बिजली के बिलों में छूट दी जाए, ये भी मैं मांग करना चाहता हूँ। हरियाणा के गठबंधन सरकार को आड़े हाथों लेने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र की मोदी सरकार को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने देश को ही अपने हाल पर छोड़ दिया है, जिसके चलते अलग अलग प्रदेश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक दूसरे पे दोष लगाने का काम है प्रदेश सरकारें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, एक दूसरे पे। मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि ये इतनी बड़ी मानवीय ये प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें केंद्र सरकार कहाँ है? प्रधानमंत्री जी तो कल रात तक विदेश में थे, पेरिस में थे, पूरा उत्तर भारत फ्लड से प्रभावित है, हजारों लोगों का जीवन व्यापन इस बाढ़ से प्रभावित, लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार, सारे मुख्यमंत्रियों को बिठा कर, क्योंकि तालमेल, आपस में समन्वय स्थापित करके कैसे बचाया जाए लोगों को, राहत कैसी पहुंचाई जाए, ये वो समय होता है। यहाँ पे तो देश को अपने हालात पे छोड़ दिया, एक दूसरे प्रदेश एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये देश को अपने हालात पे छोड़ने की नीति, केंद्र सरकार की जो ये नीति है, ये सही नहीं है। कहीं मणिपुर की बात आए, कहीं पूरे उत्तर भारत में बाढ़ की ग्रस्त की बात आए, केंद्र सरकार तो ऐसा है कि केंद्र सरकार पल्ला 1 मिनट में झाड़ लेती है, प्रधानमंत्री जी विदेश चले जाते हैं।
दरअसल दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर केजरीवाल सरकार और हरियाणा में ठन गई है। केजरीवाल सरकार का आरोप है कि हथनी कुंड बैराज से दिल्ली को डुबोने के लिए साजिश के तहत पानी छोड़ा गया, जबकि वहीं इसी बैराज से यूपी की नहर में पानी नहीं छोड़ा गया। हालांकि आप नेताओं के आरोपों को निराधार बताते हुए हरियाणा सरकार ने जवाब दे दिया है, लेकिन बयानबाजियां हैं कि थमती नहीं और सियासत है कि आपदा में भी जारी है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।